दिल्ली के छत्तरसाल स्टेडियम में 4 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की पटकथा 2 महीने पहले मार्च में लिखी गई थी। बताया जा रहा है कि अजय उर्फ सुनील ने फ्लैट पर सोनू माल की महिला मित्र के साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद सोनू ने उसे फोन पर धमकी दी थी, जिससे रंजिश गहरी होती चली गई। बाद में यही सागर की हत्या व उसके साथियों के बुरी तरह घायल होने की वजह बनी। मामले की जांच कर रही अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि सुशील के बेहद करीबी अजय उर्फ सुनील ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसकी ताकत का इस्तेमाल किया। अजय पर सुशील आंख बंद करके भरोसा करता है, यहाँ तक कि फरारी के दौरान भी वह हर समय उसके साथ रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विवादित फ्लैट को लेकर सागर व सुशील के बीच विवाद था, जबकि सोनू माल भी इसी फ्लैट के अंदर रह रहा था। मार्च में सोनू माल का जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य पे उसने अपनी महिला मित्र को भी बुलाया था। इसी मौके के लिए फ्लैट को सजाया भी गया था। सोनू ने अपनी महिला मित्र की फोटो भी कमरे में लगा रखी थी। इसी बीच नशे में धुत अजय वहां पहुंचा और उसने सोनू व सागर को ललकारा। वहीं अजय ने सोनू की महिला मित्र के साथ बदसलूकी की व उसका फोटो खींच लिया। उस समय पर सोनू व सागर फ्लैट पर मौजूद नहीं थे, वह मौजूद रसोइये ने इसकी जानकारी सोनू को दी तो सोनू ने अजय को कॉल करके खूब धमकाया व उसने अजय को उसके घर की महिलाओं की बेइज्जती करने व गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद अजय और सुनील बकरवाल सोनू से बदला लेने की ताक में लगा हुआ था।